108 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, उस यात्रा में मुस्लिम भाई के द्वारा हमें फल खिलाया जाता है, हमें पानी पिलाया जाता है, यहाँ तक कि हम कांवड़ियों के पैर में मरहम भी लगाया जाता है, उनकी सेवा भी किया जाता है, लेकिन हम लोग वहाँ क्रेडिट नहीं देते हैं। आते हैं वहाँ हराम का खाते हैं और भूल जाते हैं। जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो तलवार लेकर बाहर निकल जाता है, मुस्लिम है इसको मार देना है। लोग ऐसा कर हॉस्पिटल में कोई लोग जाएंगे एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे, अब वहाँ दो ही यूनिट रहेगा ब्लड हॉस्पिटल में, ठीक है, वहाँ कोई जाति बात नहीं, वहाँ बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट का जान बचा लीजिए, वहाँ नहीं बोलेंगे मुस्लिम का खून मत डालिएगा, यादव का खून मत डालिएगा, ब्राह्मण का खून मत डालिएगा, भूमिहार का मत डालिएगा, राजपूत का मत डालिएगा, दुसाद का नहीं डालिएगा, चमार का नहीं डालिएगा, डोम का नहीं डालिएगा, वहाँ नहीं बोलेंगे। हिंदू मुस्लिम और धर्म समुदाय है जिसके जिसके अंतर्गत राजनीति रोटियां से की जाती। अगर प्रतिबंध लगा नहीं है तो खुल्लम खुल्ला लगाइए कि वो खेती कहाँ हुआ वो फल का, कहीं वो खेत तो मुसलमान का नहीं था, उसमें बीज किसने डाला, कहीं बीज तो मुसलमान का नहीं था, उसको पैकिंग किसने किया, पैकिंग करने वाला कोई मुसलमान तो नहीं था, उसको ट्रांसपोर्ट कौन किया, ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई मुसलमान तो नहीं था। अल कबीर बीफ कंपनी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उसके मालिक का नाम क्यों नहीं बोर्ड पर लिखाता है। उत्तर प्रदेश में हार हुई है, विकास का कोई बात उनके पास नहीं है, रोजगार में कोई बात नहीं है, एजुकेशन में कोई बात नहीं है, तो बात है सिर्फ हिंदू मुस्लिम का। ठीक, यूपी में कांवड़ यात्रा के जगह पर रूट पर जो नेम प्लेट को लेकर के विवाद मचा हुआ है, पहचान बताने वाले जो को लेकर जो विवाद मचा हुआ है उसको लेकर के जो है लोगों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है, कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है। कहा जा रहा है कि जो देश का सांप्रदायिक माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जनता है, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर, क्या सांप्रदायिक माहौल सच में उनको लगता है कि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको जो यूपी में जो ये फरमान निकला है कि जो कांवड़ रूट जो है वहाँ पर जो दुकानदार है उनको अपनी पहचान नहीं होगी, यानी कह सकते हैं मोटे तौर पे कि कौन सी दुकान हिंदू की है कौन सी दुकान मुस्लिम की है, ये बताना होगा कि ताकि जो सामने वाला है उसको पता चल सके कि हम किसके दुकान से सामान खरीद रहे हैं। बिल्कुल, आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है। और ये यूपी में जो फरमान जारी हुआ है आप उसकी बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है मैम, वो हर राज्य में होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा देश जो है धर्म निरपेक्ष देश है और इस देश के अंदर 8 धर्म के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भेदभाव करते हैं कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है। लेकिन देखिए जब भी कांवड़ यात्रा चालू होता है तो जब हम सुल्तानगंज से लेकर देवघर की यात्रा 108 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, उस यात्रा में मुस्लिम भाई के द्वारा हमें फल खिलाया जाता है, हमें पानी पिलाया जाता है, यहाँ तक कि हम कांवड़ियों के पैर में मरहम भी लगाया जाता है, उनकी सेवा भी किया जाता है, लेकिन हम लोग वहाँ क्रेडिट नहीं देते हैं। आते हैं वहाँ हराम का खाते हैं और भूल जाते हैं। जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो तलवार लेकर बाहर निकल जाता है, मुस्लिम है इसको मार देना है। लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकल रही है तो योगी सरकार का ये फरमान बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं हम मुस्लिम के यहाँ का पानी नहीं पीते हैं, तो कम से कम वो जब जाएंगे ना तो कोई हिंदू कहेगा कि अरे तू तो कहत रहे कि हम मुस्लिम के यहाँ के पानी नहीं पीते हैं, अभी मुस्लिम के दुकान से तुम फल खाया है पानी पिया है ना, वो भी कांवर लेकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक भाईचारा का मिसाल होगा कि हिंदू होकर मुस्लिम का सेवा लेता है लेकिन उनको क्रेडिट देना भूल जाते हैं। दूसरे तरीके से देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो मुसलमान का दुकान होगा इसीलिए वहाँ के लोग सामान नहीं खरीदेंगे। मैम हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम और धर्म समुदाय है जिसके अंतर्गत राजनीति रोटियां सेकी जाती है, तो जिसका जैसा सोच है वो अपना सोच जनता के बीच रखता है, लेकिन मेरा सोच वैसा नहीं है। पॉलिटिक्स में इसको बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। मैं कैसे हो सकता है, कोई दुकान हम जाते हैं जब वहाँ तो सामान देख के खरीदे, दुकानदार का नाम देख के खरीदेंगे कि वो मुसलमान है या हिंदू है। बिल्कुल नहीं, तो लोग क्रेडिट जो लोग नमक हराम बनते हैं क्रेडिट देना भूल जाते हैं, तो क्रेडिट देना चाहिए ना, हम हिंदू हैं, ठीक है अभी खड़े हैं यहाँ पे, बाय द वे अगर मुझे कोई परेशानी होता है या चक्कर आकर हम गिर जाते हैं हमको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे इतने लोग हैं, कोई भी मुस्लिम आकर हमको ब्लड दे देगा तो भाई हम नाम तो जाना चाहेंगे ना कि ये मुस्लिम है कि हिंदू है, तब तो अभी हम सीना चौरा करके कह सकेंगे कि हम हिंदू हैं लेकिन मुस्लिम के खून के बदौलत अभी जीवित हैं। ये अलग वे में इसको देख रहे हैं, अलग तरीके से देख रहे हैं, आप क्या कहिएगा? क्या ये जो यूपी में जो फरमान निकला है कि दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा दुकानदार पे कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, ताकि लोगों को ये एक तरह कहा जा रहा है कि एक तरह से लगे कि हम किसके दुकान से सामान खरीद रहे हैं, किसके दुकान से सामान खरीद रहे हैं। पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं आदित्यनाथ योगी मानसिक रूप से बीमार हो गए, ठीक है। अगर प्रतिबंध लगा नहीं है तो खुल्लम खुल्ला लगाइए कि वो खेती कहाँ हुआ वो फल का, कहीं वो खेत तो मुसलमान का नहीं था, उसमें बीज किसने डाला, कहीं बीज तो मुसलमान का नहीं था, उसको पैकिंग किसने किया, पैकिंग करने वाला कोई मुसलमान तो नहीं था, उसको ट्रांसपोर्ट कौन किया, ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई मुसलमान तो नहीं था, उसको लेके यहाँ तक कौन लेके आया दुकानदार के पास, वो मुसलमान नहीं था। तो जिस तरह का भावना पैदा किया गया है, मैं कहता हूँ कि अल कबीर बीफ कंपनी कहाँ है उत्तर प्रदेश में, उसके मालिक का नाम क्यों नहीं बोर्ड पर लिखाता है, हिंदू है इसलिए, उसके मालिक का बोर्ड पर नाम क्यों नहीं लिखाता है, उसका भी तो लिखाना चाहिए।
है, मतलब अब था शाहीन जनरल स्टोर, उससे मन नहीं भरेगा है, श्रीराम प्लाजा उससे मन नहीं भरेगा, मतलब लोगों को नाम उसमें चाहिए। बहुत लोगों ने अपनी दुकान का नाम बदल दिया। 2014 के बाद देखा गया है जिस तरह से नफरत का बीज बोया गया है, उत्तर प्रदेश में हार हुई है, विकास का कोई बात उनके पास नहीं है, रोजगार पे कोई बात नहीं है, एजुकेशन में कोई बात नहीं है, तो बात है सिर्फ हिंदू मुस्लिम का, ठीक है, इसी में लोगों को परेशान किए मैं, गुमराह किए मैं। हम जाएंगे अपने हक के लिए बात करने के लिए तो बोलेंगे राम मंदिर बनवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, अरे मेरे विकास के लिए, मेरे हित के लिए बात कीजिए पत्रकार बाबू। हम तो यही कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, या इंसान को बांटा जा रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, बहुत लोगों का कहना है कि क्या दिक्कत है। कल रात में हम खाना खा रहे थे दादाजी के साथ में बैठ के, दादाजी को बोले कि उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा आदेश दिया है, तो दादाजी एक ही बात बोले कि ये सब दिन देखने से पहले ऊपर वाले उठा कहने लिए, एक ही बात बोले, क्या इससे फर्क पड़ना है, ठीक है। हॉस्पिटल में कोई लोग जाएंगे, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे, अब वहाँ दो ही यूनिट रहेगा ब्लड हॉस्पिटल में, ठीक है, अगर वो बोले कि मैं जात का ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का खून चाहिए, ब्राह्मण का खून नहीं रहेगा वहाँ पर तो पेशेंट मर जाएगा, ठीक है, वहाँ कोई जाति बात नहीं, वहाँ बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट का जान बचा लीजिए, वहाँ नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम का खून मत डालिएगा, यादव का खून मत डालिएगा, ब्राह्मण का खून मत डालिएगा, भूमियार का मत डालिएगा, राजपूत का मत डालिएगा, दुसात का नहीं डालिएगा, चमार का नहीं डालिएगा, डोम का नहीं डालिएगा, वहाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है, वहाँ तो बोलेंगे डॉक्टर साहब आप भगवान के रूप है, मेरे पेशेंट को बचा लीजिए, हाँ वहाँ कोई जाति बात नहीं है, ठीक है, वहाँ कोई जाति बात नहीं है। और भी लोग हैं, क्या कहिएगा इस पर, तो होगी, सुनिए भैया के सबसे बड़ी दिक्कत क्या चीज़ से, राम मंदिर से बगल में भैया, नहीं सुनिए सुन लीजिए, हम आपका कहानी सुन रहे थे, अरे राम मंदिर का नाम आ रहा था, ठीक है, विकास बात करते हैं, जो यूपी का जो मुद्दा निकल रहा है, जो दुकानों पर जो नेम प्लेट लगाया जा रहा है उस पर क्या कहिए, क्या दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, अगर कानून लाया जाए तो क्या दिक्कत है, योगी जी जो करे सो अच्छा करे, सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, अब दुकान में हम जाएंगे सामान लेने तो नाम देख के खड़े, अच्छा मुहर्रम में कितना दिन हुआ, 14 तारीख को हुआ, अभी अभी कारपू लगा हुआ है अन्हारी गाछी में, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूरी है, क्यों कारपू लगा हुआ है, क्यों हुआ है पता है, क्यों है पता है, वहाँ पे यज्ञ हुआ था तो चुनाव से पहले राहुल गांधी ये क्या कहते थे, ये पंजा है, हाथ है, हालात और हालत दोनों बदलेगा, जब संसद भवन में गए तो क्या बोले, ये अभय मुद्रा है भैया, न इससे हालात बदलेगा न हालत बदलेगा, ये बस अभय मुद्रा है। यूपी वाले मुद्दे पे क्या रहा है, यूपी वाले योगी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करेंगे, वो कर अच्छा करें, हाँ। सुनिए ना, कल मेरी बाबा जी से बात हुई, ठीक है, तो बाबा जी बोल, हम पता लगा मेरी बाबा जी से, आपकी बाबा से, हाँ दादाजी से बात हुई, तो लोग दादाजी को बाबा भी बोलते, सुनिए हम लोग बाबा जी बोलते हैं, दादाजी भी बोलते हैं, बात हुई तो बाबा जी बोले कि हम, बाबा जी को जो पता लगा कि ये नाम लिखवाया है, तो बाबा जी ने बोले कि बिल्कुल अच्छा काम किया है, क्योंकि इसी हिंदू नाम की वजह से और इसी सनातनी नाम की वजह से 1985 में, शायद 1992 में हम 9 लाख कश्मीर में थे, और इसी हिंदू और इसी सनातनी नाम से हमें रातों रात हमारी बेटियों की, हाँ 1990 में हमारी बेटियों की इज्जत लूट गया, हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूट गई, और इसी हिंदू नाम से हमें अपना घर छोड़ के और वहाँ से भागना पड़ा और देश के विभिन्न हिस्सों में जाके अतिथि बन के रहना पड़ा। मेरी बाबा जी बोले बहुत अच्छी बात है। तब अगर ऐसा हुआ था तो क्या अभी भी जरूरी है कि नाम के वजह से ही हम बट जाएं आपस में? अरे मैम आप बताइए, कोई हानि है अगर कोई अपना नाम बता देता है? अच्छा, कोई हानि नहीं है, क्या हानि है, योगी जी कर सही कर रहे हैं, सही बात है। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या लगता है ये जो नाम का जो चला है, नाम का जो फरमान चला है यूपी में, इस पे आपकी क्या राय है? इस पे हमारी यही राय है कि नाम का फरमान चला, इससे ये दिक्कत होगी कि जैसे कास्टिज में के आधार पर अगर कोई बोर्ड लगा दिया अपने आप को, हाँ। तो उसको खाने पीने में दिक्कत होगी, जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई SC शेड्यूल कास्ट मतलब बिलोंग कर रहा है, अभी तो धर्म के नाम, धर्म के आधार पर, मतलब धर्म के बाद फिर गवर्नमेंट कास्टिज में जाएगी, धर्म के बाद फिर कास्टिज में भी जाएगी अगर इसमें सफलता मिली तो गवर्नमेंट, तो ये धर्म वाला मुद्दा सही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, इसको गवर्नमेंट उसको वापस लेना। क्या लगता है क्या नुकसान होगा इसका? इसका नुकसान यही है कि मतलब समाज में जो है माहौल बिगड़ेगा, जैसे मुजफ्फरनगर में जो माहौल बिगड़ रहा है आजकल, उसको थोड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि हो सकता है नाम देखे बहुत लोग नहीं खरीदेंगे और जो दुकानदार है उनको नुकसान होगा, नुकसान होगा बिल्कुल होगा, है ना। तो जनता की अपनी अपनी अलग अलग राय है, किन्हीं का कहना है कि नहीं क्या दिक्कत है,
नाम के आधार पर बढ़ ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है? किन्हीं का कहना है कि नहीं, बहुत नुकसान है, देश जो है अलग तरीके से जो है कहीं ना कहीं एक नकारात्मक छवि जो है बाहर में हम लोगों की बनेगी। और सबकी अपनी अपनी राय है, बाकी आपकी क्या राय है? ये जो यूपी में नाम का फरमान जो निकला है, इसमें आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।